लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देश की बेटियों की जातियों की तलाशियां हो रही हैं, उनकी जातियां ढूंढी जा रही हैं। 9 साल पहले कभी ऐसा माहौल था कि कोई रेप का आरोप किसी में लगे और उसका बचाव के लिए लोगों को जुटाया जाए? हरियाणा वाले भी पीछे हट जाओ और यूपी वाले भी पीछे हट जाते हैं। ये देश में एक प्रतिभाशाली नौजवान है जैसा, उसी को बना दो अध्यक्ष। हम नहीं कहते कुछ, बहुत बढ़िया उमदा खिलाड़ी है। आज मुझे भी अवसर मिल रहा है। हरियाणा वीरों की भूमि है, क्रांति की भूमि है। बड़े बड़े शासकों के सामने यहां गांव के लोगों ने अपने संगठनों के साथ लड़ाई लड़ी। सबसे पहले सामूहिक तौर पर ओडिशा के रेल हादसे को लेकर हम सब ने प्रार्थना की है। मैं दोबारा अपने तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कैसा मंजर हमें देखने को मिल रहा है कि लोग आपदा को भी अवसर के तौर पर देखते हैं। जब दुर्घटनाएं होती हैं तो मानवीय भावनाएं निकल के आती हैं, गम का विषय है, दुखदायी माहौल होता है। सरकार सुनिश्चित करे कि ये घटनाएं क्यों हुई। तकनीकी तौर पे सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कैबिनेट के एक मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती। 20 साल में सबसे बड़ी दुर्घटना रेल की, सैकड़ों लोग मारे गए, कितनों का भी उपचार चल रहा है गंभीर हालात में। जवाबदेही सामूहिक तौर पर पूरे सरकार की बनती है। सरकार सफाई दे, सरकार ये सुनिश्चित करे कि दोबारा ऐसी घटनाएं कहीं देश के किसी कोने में ना हो पाए। पहले तो ये मांग इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं। बहुत सम्मानित हमारे मंचासीन उपराज्यपाल राज्यपाल रहे चौधरी सतपाल जी भी यहां मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत मुखर होके हमारे बहन बेटियों की आबरू की रक्षा की बात कही है और आपको आह्वान किया है, जिनके आह्वान पे आप इतनी यहां बड़ी संख्या में पहुंचे। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि सतपाल मलिक जी, जब वो माया त्यागी कांड हुआ था जिसने उत्तर भारत में लोगों के दिलों को दहलाने का काम किया, तब सर समाज के लोगों ने फैसला लिया कि ये हमारी बेटी है। और उसके उस अत्याचार के खिलाफ जेल भरो मूवमेंट आंदोलन की शुरुआत चौधरी साहब ने की, तो संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी चौधरी चरण सिंह जी ने सतपाल मलिक जी को बनाया था। और जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी ने माया त्यागी कांड के विरोध में गिरफ्तारी दी थी, उस दिन उनके साथ गिरफ्तारी देने वाले भी सतपाल मलिक जी थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज फिर दोबारा वही लड़ाई आई है और आपके मार्गदर्शन में यहां इस समर्थन पंचायत में उचित फैसले लिए जाएंगे। मैं किसानों के नेता गुरनाम सिंह जी की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने ये पहल की। लड़ाई तो हम सब की है, लेकिन उन्होंने निमंत्रण दिया, सबको कहा, इंतजाम किए। बहुत साहसी व्यक्ति हैं, संघर्ष बहुत किए हैं उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए। किसानों के लिए किए हैं, अपने लिए नहीं किए। मैं उनको कहूंगा कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने आज भी मुझसे पूर्व में मूल मुद्दों की भी बात की। बिल्कुल सही बात है, एक राष्ट्र चरित्र पे भी हमें सोच विचार करना है कि हमारे देश का चरित्र क्या रहा है, क्या संस्कार रहे हैं, हम किस ओर चलना चाहते हैं। आप याद कीजिए, जहां एक तरफ केंद्र की सरकार 9 साल का जश्न मना रही है, क्या 9 साल पहले भी देश में ऐसा माहौल होता था कि जब किसी के खिलाफ जो पीड़ाएं हैं उसकी पीड़ाओं के विरोध में कोई अपनी बात रख रहा है, कोई पीड़ित है,
उसके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उनकी जातियों की तलाशी होती है, देश की बेटियों की जातियों की तलाशियां हो रही हैं, उनकी जातियां ढूंढी जा रही हैं। 9 साल पहले कभी ऐसा माहौल था कि कोई रेप का आरोप किसी में लगे और उसका बचाव के लिए लोगों को जुटाया जाए? कश्मीर में आपने होते देखा, गुजरात में सजा व्याप्तियों को उनके अच्छे चरित्र के कारण जल्दी छोड़ दिया गया है, उन्नाव जिले में, उत्तर प्रदेश में हमने यही कांड होते देखे हैं, हाथरस में बेहद गरीब परिवार जो रात रात घर वालों को आखिरी दर्शन नहीं करने दिए, चिता पे जबरदस्ती प्रशासन के लोगों ने उनको जला दिया, उस पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिल पाया है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किए। उनके लिए बचाव के लिए जब कोई सामने आए समाज के लोग, तब भी बताया गया नहीं ये तो जातियों का विषय है, ये फलाना उस जाति से है, फलाने उस जाति से है। उसी तरह से ये पहलवानों के साथ इनकी कोशिश रही है, पहले शुरुआती तौर पे पहले ही दिन से इनकी साजिशें शुरू हो गई। इन्होंने यहां तक कहा कि ये खेल संघ की लड़ाई है, कुश्ती संघ की लड़ाई है, कि हरियाणा के लोग कुश्ती संघ में ज्यादा हैं, यूपी के लोग कुश्ती और पहलवानी में कम हैं, और कुश्ती संघ में संगठन में यूपी के लोगों की हटाने के लिए, यूपी के लोगों को बाहर करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई। पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं, हम सब यहां ये भी जानते हैं कि भारत की समाज की क्या स्थिति है, हम अभी भी बहुत चीजें बदल गई लेकिन अभी भी पुरुष प्रधान देश है। एक तरफ हम धरती को मां मानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जो विराट विशाल नदी है उसको छोड़ करके देश की सारी नदियां हैं वो उनको स्त्रीलिंग हमने दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि जीवन का रूप है। सबके घर में बेटियां हैं, सबके घर में बहन हैं, सबके घर में माता हैं, सबके घर में बुआ हैं, मौसी हैं। बिना मातृशक्ति के जीवन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बराबरी नहीं, गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। और इस देश में माहौल ऐसा है कि कई महिलाओं के साथ जब उनके साथ ऐसे कृत होते हैं, वे खुलकर अपनी शिकायत भी नहीं रख पाती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता या उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं होती समाज से, वे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती हैं, अपने आप को दोष देती हैं, अंदर ही अंदर घुट के मर जाती हैं, वो बाहर अपने जुबान पे वो बात नहीं ला पाती कि उनके साथ क्या हुआ। और यहां इतनी बहादुर हमारी महिलाएं हैं, कई महिलाओं ने आगे आके शिकायत विधिवत दर्ज की है, शिकायत उनकी दर्ज हो चुकी है, देश के सभी लोगों को ज्ञात है, देश के अखबारों में FIR छप गई है। जो अब तक बचाव करने में लगे थे कि झूठी मूठी बात के कोई एविडेंस नहीं है, शिकायतकर्ताओं की सारी सूचनाएं आप सबके पास पहुंच गई हैं, उनकी पुष्टि भी की गई है, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने करी, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर ने करी, अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो पटल पे जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, खून पसीना बहाया, ऐसे ऐसे सम्मानित लोग आगे आके बता रहे हैं कि शिकायत है। तब भी ये आरोप लगना कि ये कुश्ती संघ की लड़ाई है, मैं तो कह देता हूं क्योंकि हरियाणा की धरती पे है, यहां बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा मेल है, मैं यूपी से आज आया हूं, यूपी के उन जिलों से लोग आपके बीच आए हैं, जो नेपाल के बॉर्डर से चल के लोग आ रहे हैं, पीलीभीत लखीमपुर से आ रहे हैं, तो ये मत सोचना हम लोग तो एक ही हैं। रोटी बेटी का सामाजिक तौर पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में एक ही संस्कृति है, जो गांव देहात की एक ही संस्कृति, भाषाएं बदल जाती हैं, पानी बदल जाता है, लेकिन आदमी की नैतिकता, हमारा जमीर, हमारा जुनून, हमारी लड़ाई, हमारा खून, हमारा DNA एक ही है, यह आपको याद रखना चाहिए। और फिर भी चूंकि यहां सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, प्रतिनिधि आए अपने तरीके से, वो साथ भी हैं खेल इनके खिलाड़ियों के साथ, हमारे हनुमान जी यहां नहीं है, वो भी बयान दे रहे हैं, लगातार कर रहे हैं राजस्थान में, चंद्रशेखर जी यहां आपके बीच आए, मैं आया हूं, विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं है, मैं भी उनसे लगातार बात करता हूं, वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, वे भी लगातार चिंतित हैं, जंतर मंतर में भी कई बार गए, और उनके पिताजी ने यहां मुख्यमंत्री रहते
खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए बहुत प्रयास किए और खेल नीति व्यवहारिक बनाई थी, फिर भी अगर कोई आरोप लगा रहा है कि कुश्ती संघ की लड़ाई है, बहन बेटियों के आबरू की लड़ाई नहीं है, मैं तो उन्हें कह देता हूं हरियाणा वाले भी पीछे हट जाओ और यूपी वाले भी पीछे हट जाते हैं। इस देश में एक प्रतिभाशाली नौजवान है जैसा, उसी को बना दो अध्यक्ष, हम नहीं कहते कुछ, बहुत बढ़िया उमदा खिलाड़ी है, उन्हीं को अध्यक्ष बना दो, कोई खिलाड़ी भी आपत्ति नहीं करेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, कहां ले जा रहे हो उस बात को, क्या मतलब है उन बातों से। मैं सार्वजनिक तौर पर कह चुका हूं, आज इस मंच से फिर कहता हूं, ये कोई राजनीतिक लड़ाई हमारे आपस के झगड़े की लड़ाई की बात नहीं है। मैं अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूं, मैं राज्यसभा का सदस्य हूं आपके आशीर्वाद से, लेकिन राज्यसभा की सीट बाद में है, मैं पहले भाई हूं अपनी बहनों का इन पहलवानों के साथ। मान सम्मान के लिए जीता है आदमी, ये देश का बहुत गरीब आदमी, बहुत कमजोर आदमी, जिसके पास कुछ नहीं है देने को, वो भी उसके दरवाजे कोई आता है तो दिल खोल देता है उसके लिए। पूरी लड़ाई मान सम्मान की है। जिस समाज में, अगर समाज में हम जीवंत समाज और सभ्य समाज का हिस्सा हैं, आप ये जानते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर में अपने आप को ठीक करने की एक शक्ति होती है, उस शक्ति की सीमाएं होती हैं, ज्यादा बड़ा घाव लग गया तो आपको उपचार कराना पड़ेगा, लेकिन आपके शरीर के अंदर भी वो शक्तियां हैं कि जब कोई कीटाणु आता है तो उसका वो मुकाबला करती है। उसी तरह जीवंत और सभ्य समाज के अंदर भी खूबी होती है कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, हम लोग समय समय पर बैठ के चर्चा करके जो भी रोग लग रहे हैं उन रोग को दूर करें। आज एक बहुत बड़ा रोग है, कुछ लोग एक मामूली व्यक्ति के भक्ति में इस तरह वलीन हो गए कि उनके नजर में ब्रजभूषण शरण और अजय ट्रेनी के नजर में, जो पब्लिक की नजर में वो दोषी हैं, उन्हें वो क्लीन बताते हैं। जिस देश को आजाद करने के लिए भारत मां की कल्पना की, आज उस भारत मां की अब आबरू दाव पे लगाव पे लग रही है। आप यहां मामूली एक सभा या में नहीं आए, यहां जोश उत्साह के साथ नहीं आए हो, आंखों में अंगारे लेके आए हो, दिल में आप इरादा लेके आए हो, और यह मंचों से बात कही गई फैसलों की, आपने सबने हाथ खड़े करके कह दिया कि मंच जो भी फैसला लेगा, पहलवान जो भी फैसला लेंगे, हम उनके साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है, और ये कोई बाहर वाला कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, घर के बड़े आप लोग हो, फैसले भी आप ही लोगों को लेने हैं। जो भी पहलवान नीति बनाएंगे और उसमें हम इनके साथ हैं, वो अपने आप को कमजोर ना महसूस करें। उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से आंधियां चल रही थी, आप देख सकते हैं, आज तो हवाएं भी शांत हैं, हवाओं ने भी फैसला ले लिया कि यहां गांव की जो आवाज है, जो पंचायत की गूंज है, वो दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। तो ये प्राकृतिक चीज होती है, कुछ चीज बढ़त हासिल करती है, फिर अपने आप जनता उसे देखती है, परखती है, पहचानती है, फिर उससे अलग हटना शुरू कर देती है। जो अंधभक्ति जो लोग कर रहे थे, उनकी आंखें खुल रही हैं, बेरोजगारी के कारण, किसान के बढ़ रहे बोझ के कारण, किसानों के कष्ट के कारण, और अब ये जो आखिरी जो एक वो था, कसर रही थी, वो कसर उन्होंने दूर कर दी। जिस व्यक्ति ने 2016 में जब मेडल जीता, साक्षी के लिए ट्वीट किया और ये कहा था कि रक्षाबंधन के दिन देश की बेटी ने मेडल जीता है, जिस व्यक्ति ने विनेश फोगाट को बुलाकर कहा विनेश तुम मेरे परिवार की हो, आज उनकी नजर में, निगाह में प्रेम भाव है तो इनके लिए नहीं है, अगर है तो उनके टीम के सदस्य, उनके परिवार के सदस्य, वो ब्रजभूषण शरण जी उनको दिखाई दे रहे हैं। तो सुधार अपने आप आएगा। यहां तरह तरह की बात हुई, मैं किसी भी आक्रामक फैसले के पक्ष में नहीं रहूंगा। जब बड़ी चढ़ाई करनी होती है, एक लंबी चट्टान है और हम नीचे हैं, हम लोग अभी कमजोर हैं, अभी हम संगठित नहीं, हमारे अंदर बहुत बिखराव हैं, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत रोग हैं जिन्हें हमें हटाना है, बचना है जिन चीजों से, तो चढ़ाई एकदम नहीं होगी।
एक कदम लेके हमें देखना होगा, अपनी शक्तियों को फिर संगठित करना होगा, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना होगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं पहलवानों को भी कहता हूं, आप ये मत सोचिएगा कि एक पंचायत हो जाएगी वो फैसला हो जाएगा और आपके हित में सरकार जो आज सोई हुई है वो जाग जाएगी, ऐसा नहीं है। इस सरकार की नीति है, जनता लाख बार कह दे ये अपनी आंख जानबूझकर इन्होंने बंद रखी है, जब इन्हें आपकी जरूरत होती है आपको बगल में रखकर इन्हें को लाभ दिखाई देता है तो बिना न्योता दिए आपको हाथ पकड़ के लाते हैं। आज जब आपको इनकी जरूरत है तो आपको जो आपने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो देख नहीं रहे, आपके आंसू की तरफ इनकी निगाह नहीं जा रही। तो पहलवानों को भी रेडी होना होगा, लंबी लड़ाई हो सकती है लेकिन ये न्याय संगत लड़ाई है। कोई भी चीज जो ईमानदारी से की जाती है, पूरा दिल लगा के की जाती है, उसमें आप हार नहीं सकते हो। ये देश, पूरा देश आज खड़ा हो गया आपके साथ, पूरा भारत का जो ग्रामीण समाज है, जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो देश के लिए भला चाहते हैं, आज वो खुल के आ गए हैं आपके लिए मैदान में। ये हमारी लड़ाई साझी लड़ाई है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस संख्या में यहां लोग आए देख लीजिए, पंचायतें और भी होंगी, और आपने जो सुझाव रखा वो मुझे कुछ समझ में आया। जो आपकी बात थी कि बंटवारे हमारे आपस में जो भी हो, जब लड़ाई एक है तो मंच भी एक सजना चाहिए, मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरे दल के प्रत्येक कार्यकर्ता कहीं भी होगा कार्यक्रम जो आप आह्वान करोगे, पूरा अपनी पूरी ताकतों के साथ उसमें लगेंगे और सहयोग करने का काम करेंगे। और मैं सतपाल जी की बात सुनना चाहूंगा गौर से, बहुत उनको लंबा अनुभव है, और मैं धन्यवाद देता हूं चरुणी जी को, संगठन को, तमाम सामाजिक लोगों को जिन्होंने मंच तैयार किया। जय हिंद, जय भारत, किसान मजदूर एकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।